हेलो एवरीवन, दिवाली गिफ्ट क्या देना चाहिए? यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज गिफ्ट भी वही दीजिए जो आपके लिए लक का काम करे। अब मैं आपको बताऊंगी कि राशि के अकॉर्डिंग कौन सा गिफ्ट है जो आपके लक को एनहांस कर सकता है। मेष राशि वालों के लिए, आप दिवाली पे अपने फ्रेंड्स को अगर गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी वस्तु है वो है ब्लैक कलर के पेन्स। आप ब्लैक कलर के पेन को जितना गिफ्टिंग में यूज़ करेंगे, आप देखेंगे कि आपके लक में चार चांद जल्द ही लगाना स्टार्ट कर देगा। वृषभ राशि वालों को अपने लक को एनहांस करने के लिए दिवाली गिफ्ट में अपने फ्रेंड्स को बहुत ही खास चीज़ गिफ्ट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी गिफ्टिंग आपके लिए लक एनहांस करने का काम करेगी। तो वो क्या खास गिफ्ट है, आइए बताती हूँ आप लोगों के लिए। आपको खुशबू से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, या बहुत ही अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती या कैंडल्स भी, आप सेंटेड कैंडल्स आती हैं, आप उनको भी गिफ्ट कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों को अपने लक में चार चांद लगाने के लिए दिवाली पर अपने फ्रेंड्स को वो कौन सी खास चीज़ है जो गिफ्ट करने चाहिए, आइए बताती हूँ। मिथुन राशि वालों को गोल्डन कलर का पेन, गोल्डन कलर के पेन से मेरा मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो गोल्डन कलर का चलना चाहिए। अगर उसका ऊपर का कवर भी, चाहे पेन का कलर ब्लैक हो या ब्लू हो चाहे रेड हो, लेकिन उसका ऊपर का जो कवर होना चाहिए वो गोल्डन कलर का होना चाहिए। इस तरीके की गिफ्टिंग करने से आपके लक में चार चांद लग जाएंगे। कर्क राशि वालों को अपने लक को इम्प्रूव करने के लिए, या कहूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इस दिवाली पर अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को अगर आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खास चीज़ मैं बताती हूँ। आपको सिल्वर के कॉइन्स ज़रूर गिफ्ट करने चाहिए। और अगर आपकी पॉकेट अफोर्ड नहीं करती है कि आप सिल्वर के कॉइन्स गिफ्ट कर सके, तो ऐसे में आप उनको सिल्वर की कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी होती हैं जो सिल्वर के फॉर्म में होती हैं, या कोई भी घर के अंदर का शोपीस आप लेकर वो गिफ्ट कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को अपने लक को इम्प्रूव करने के लिए दिवाली पर क्या गिफ्ट करना चाहिए, वो कौन सी खास चीज़ है जिसको गिफ्ट करने से सिंह राशि वालों का मान सम्मान भी बढ़ेगा और रुपये पैसा भी बढ़ेगा। सिंह राशि वालों को रेड कलर के कपड़ों से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें ज़रूर गिफ्ट करनी चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते जल्द ही खुल जाएंगे। कन्या राशि वालों को अपनी सेहत में सुधार के लिए, या फिर बहुत अच्छे फाइनेंशियल लक के लिए, इस दिवाली पर अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को क्या गिफ्ट करना चाहिए। आप लोगों को ज्वेलरी के फॉर्म में, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही क्यों ना हो, लेकिन ज्वेलरी के फॉर्म में ही अपने दोस्त या रिलेटिव्स को गिफ्ट ज़रूर करना चाहिए। अब जो कन्या राशि के बॉयज़ हैं वो कहेंगे हम क्या गिफ्ट करें, तो आप भी कोई भी ऐसी बुक या पेन जिसमें छोटे छोटे बीट्स लगे हों ज्वेलरी के फॉर्म में, आप वो गिफ्ट कर दीजिए। तुला राशि वालों को अपने लक को एनहांस करने के लिए, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ जल्दी से दिखने लगे उसके लिए, दिवाली पर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को वो कौन सी खास इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गिफ्ट करनी चाहिए, तो वो खास इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को घर के अंदर सजावट का, यानी कि इंटीरियर डेकोरेशन में यूज़ होने वाला कोई भी कॉपर का कोई भी अच्छा सा शोपीस आपको गिफ्ट ज़रूर करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को कौन सा खास गिफ्ट है जिसको देने से आपके लक में चार चांद लग जाए, तो इस बार दिवाली पर आप अपने दोस्तों को या फिर अपने रिलेटिव्स को कुछ देना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट ज़रूर दीजिए। और ड्राई फ्रूट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए आलमंड्स। बादाम का दान करना या बादाम को गिफ्टिंग के फॉर्म में देना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों को अपने लक में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, इस बार दिवाली पर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को सबसे खास और ज़रूरी चीज़ जो गिफ्ट करनी है वो है कि आप उनको उनकी जिसमें भी आस्था हो उससे रिलेटेड गॉड या गॉडेस आप छोटे से ही करें, पर गिफ्ट ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उनके यहाँ एक
लक देने का भी काम करेंगे और ये आपके भी लक को इम्प्रूव करेगा। मकर राशि वालों को इस बार दिवाली पर अपने लक को इम्प्रूव करने के लिए और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जो बहुत ही खास चीज़ है गिफ्ट करने के लिए, वो है आपको कोई भी अच्छी सी मेडिटेशनल बुक या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी बुक आप ज़रूर गिफ्ट करिए। मैं जानती हूँ बुक्स का ज़माना चला गया है, लेकिन फिर भी आप बुक्स अगर गिफ्ट करते हैं तो ये आपके लक को बहुत अच्छी तरह इन्हांस करता है। कुंभ राशि वालों को फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, कुंभ राशि वालों को अपने मान सम्मान के लिए इस बार दिवाली पर अपने रिश्तेदार या दोस्तों को जो सबसे ज़्यादा खास और लक वाली चीज़ है वो ये है कि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल गिफ्ट करिए। और ऐसा करने से चाहे आप छोटा सा करिए, आप कुछ नहीं तो वॉच भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल से मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा सा कुछ गिफ्ट करिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल गिफ्ट करने से आप देखेंगे कि आपका लक बहुत ही अच्छी तरह से आपको फेवर करना स्टार्ट करेगा। मीन राशि वालों को इस बार दिवाली पर अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को वो क्या गिफ्ट करना है जिसको गिफ्ट करने से गिफ्टिंग आप उनके लिए कर रहे हैं, गिफ्ट आप उन्हें दे रहे हैं, लेकिन वो दिया हुआ गिफ्ट आपके फेवर में आ जाए, तो वो है आपको पीतल की धातु की कोई भी एक ऐसी चीज़। आप चाहे तो पीतल की ज्वेलरी दे सकते हैं या फिर आप पीतल का कोई भी बढ़िया सा शोपीस आप किसी को गिफ्ट करिए। ये करने से आप देखेंगे कि आपके मान सम्मान में चार चांद लगने शुरू हो जाएंगे।